भावलोक बड़े लंबे समय से देवरा देवरा चल रहा था और ट्रेलर आ चुका है। चलो बात कर लेते हैं। कहते हैं ना, किसी चीज को इतने ऊपर मत उठाओ, यानी चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, ताकि जब उसकी एक्चुअल बारी आए प्रूफ करने की तो वो फुसकी बॉम्ब निकल जाए। देखो, ट्रेलर इतना कोई फाड़ नहीं है, नॉर्मल हाई फॉलोइंग ट्रेलर है, लेकिन जिस हिसाब से इसकी हाइप बिल्डअप करी जा रही है पिछले 2-3 दिन से, बाबा वो गूज़बम्प मोमेंट बिल्कुल भी नहीं है इस ट्रेलर में। लिटरली जिस बड़े नाम की मेकर रोटी सेंकने वाले हैं देवरा भाई, वो मजा नहीं आया। इससे कहीं बेहतर अगर मैं बताऊं तो किल और युद्रा जैसी अंडर बजट अंडरडॉग मूवी का ट्रेलर था। गूज़बम्प मोमेंट कहीं भी नहीं है इसमें। ऐसी बड़ी मूवी जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है, खासकर इनकी जो पीआर टीम बड़ी डीगे हांकती है ना बाबा, वो हिसाब का माल भी डिलीवर करना पड़ता है। वही बात हो गई कि नाम बड़े दर्शन छोड़े, लेकिन हाँ, सैफ अली खान लुकिंग सैवेज ब्रूटल विलेन, इस बंदे का कोई जवाब नहीं है। ये बंदा जब भी विलेन के रूप में आता है आग लगा देता है। फैंस लोगों की जलेगी यहाँ पर, लेकिन बाबा किसी भी ऑनेस्ट रिव्यूअर से पूछना, सैफ अली खान ने एनटीआर को पूरे ट्रेलर में ओवरशैडो कर दिया है। भाई स्क्रीन टाइम में सैफ का लुक अलग ही वाइब सेट कर रहा है, वरना स्टोरी में कोई इतना दम देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा, ये एनटीआर प्लेज बोथ फादर एंड सन रोल, जहां एज यूजुअल कॉन्सेप्ट जो साउथ में कई बार हमें देखने को भी मिलता है, बाप शेर और बच्चा भीगी बिल्ली बन के रहता है। तो भाई लिटरली वही, पहले भीगी बिल्ली बनेगा बाद में शेर बन जाएगा, फक लॉजिक। बहुत देख चुके हैं हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे मूवी। बाकी देखते हैं बाबा और क्या मिलता है मूवी में हमको। लेकिन बाबा दिल से बोलूं तो टीजर, देवरा मूवी का टीजर बहुत फाड़ था, बहुत सॉलिड था, बहुत फुल गूज़बम्प वाला मोमेंट देके गया था वो टीजर। लेकिन टीजर के सामने ये ट्रेलर बिल्कुल लुल्ल बट्टा सन्नाटा। फैंस लोग गाली दोगे मुझे डेफिनेटली, पर कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा। लेकिन एवरेजली बात करूं, अब एवरेजली ऑनेस्टली, यस ट्रेलर अच्छा है, लेकिन एवरेज मोड में ओनली। जो नॉर्मली मूवी आती जाती रहती है जिनकी इतनी कोई हाइप नहीं होती है, उस हिसाब से ट्रेलर ठीक है। पर दिल से बोलूं बाबा, बहुत एक्सपेक्ट करा था इस ट्रेलर से कि ट्रेलर यार बहुत दमदार होगा। बाकी विजुअल पार्ट की अगर बात करें CGI एंड VFX में, तो बाबा ये मूवी मार खाने वाली है उसमें भी। वो परफेक्शन नहीं है, सांप पकड़ में आ रहे हैं कुछ कुछ जगह पर VFX। बाकी देखते हैं बाबा, सेकंड ट्रेलर अगर ये निकालने का प्लान कर भी रहे हैं तो शायद सेकंड ट्रेलर अच्छा हो, लेकिन ये वाला ट्रेलर भाई वो गूज़बम्प लेके नहीं गया। जूनियर NTR और देवरा बहुत बड़ा नाम है ये, पूरे काफ़ी लंबे समय से जब से टीजर आया था उसके बाद से ये नाम लगातार ट्रेंड पर चल रहा था। भाई दैट्स माई रिव्यू, बाकी जिसको गाली देना है गाली दे सकता है। और मिलते हैं अगली वीडियो पर। आपको कैसा लगा ट्रेलर नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, एंड बाय।